अरे भाई खवातीनों हजरात तशरीफ ले आइए, शहरी का टाइम खत्म होने वाला है। ये क्या? अरे आज भी कुछ खाए पिए बगैर रोजा रखना पड़ेगा यार। ये सब मुस्तकीन साहब की वजह से हुआ है। लास्ट मिनट तक किचन बिजी रखा हुआ था। हाँ तो हमारे यहाँ जरा शाहाना किस्म की सहरी करने का रिवाज है, उसमें टाइम तो लगता है ना। आख शाहाना सहरी, एक तो खास बनाया कुछ नहीं है, फिर टाइम कहाँ बचा खाने के लिए। जी बगैर सहरी में जो रोजा रखा जाता है उसमें मुशक्कत बड़ी दूभर हो जाती है। जो जी बेगम, हम ये झाड़ू पोंछा और ये कपड़े धोना वोना कल कर लेंगे, आज हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो गया भाई, बहुत ही काम चोर है कोई यार। ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो बगैर सहरी के रोजा रख लिया। तो पहली बार ना अंजुमन बाजी ने पते की वो की है। जो जी नहीं, आपने पते की बात की है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बगैर सहरी का रोजा है तो क्या हुआ, सबर करेंगे तो ज्यादा वो मिलेगा ना। वो क्या? अफतारी, सवाब नबील। हाँ सवाब मिलेगा, चलो सारे नमाजें पढ़ो मिलके। ओ मुस्तकीम, ये बवर्ची खाना पांडे पूंडे समेट के चंगी तरह साफ करके कमरे में आना। बगैर सहरी के रोजा रखे तो फिर क्या हो गया? जो हुक्म जो जी बेगम। नमाज के लिए पहले नमाज पढ़ लेना, आके करेगा टाइम। आके करते हैं। भाई जोजी बेगम, आपके सदके कुर्बान, आप यहाँ बैठी हुई एसी को एंजॉय कर रही हैं और हम बगैर सहरी के रोजा रखे हुए सफाइयां करके पूरे घर की हलकान हो गए। वैसे बेगम एक बात है, देसी घी की भी एक अपनी बात है, यानी सहरी में पराठे बने थे और अभी तक खुशबुएं आ रही हैं। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मुंह इसी तरह सूजा रहा तो। अरे बेगम हम तो आपसे अटकेलियां कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, जरा साथ साथ होइएगा, हमें सफाई करने दीजिए। अरे जोजी बेगम, लाहौल मिला कुवता इल्ला बिल्ला। जोजी बेगम आपका तो रोजा था। हाय मुस्तकीम क्या बताऊं, मैं जब बगैर सहरी के रोजा रखती हूँ ना तो बड़े चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती हूँ। तुम तो जानते हो ना कितनी कमजोरी हो जाती है मुझे, इसलिए मैंने सवेरे रोजे की नियत ही नहीं की थी। हाँ तो भी बेगम अगर ऐसी गलती हो जाए तो उसके लिए कफारा अदा किया जाता है, कुछ सदका खैरात या फिर किसी मिस्कीन को खाना वाना खिला दे, उसको रोजा खुलवा दे या सहरी करवा दे। चलो जी मस्कीन कहाँ से लाऊं अब मैं? फिलहाल तो सारी बातें छोड़िए और जाकर बाजार से सब्जी लाइए, क्योंकि हम रोजा रख के निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। हम यहाँ लेटेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे। क्या हूं? मैं क्यों जाऊं तुप में बात? अरे जोजी बेगम सोच लीजिए, हम रोजेदार हैं और आपने रोजा रखा नहीं, अरे क्यों मजीद गुना कमा रही है। जाइए जाकर सब्जी लाइए, हम थोड़ा सा सस्ताने के बाद आपको पका देंगे सब्जी, आप जाइए प्लीज। अच्छा ना जाती हूँ, परौंठा तो मुका लूं। तुम्हारा रोजा तुम जाओ बाहर, मैं खा लूं फिर आ जाना। अरे ये कमरे में कोरमे की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो सहरी में बना था ना, बड़े मजे का था। अरे तुम्हें कैसे पता कि मजेदार था, क्योंकि खाने से पहले तो सायरन हो गया था। मेरा मतलब है इश्फाक, देखने में बहुत मजेदार लग रहा था। अच्छा ना छोड़ो, वो खूबसूरत ने बाजार से कुछ चीजें मंगवाई हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ वो लेने के लिए, तुमने तो नहीं कुछ मंगवाना है? लो मैं पैसे ले लूं जरा अपने। ये कोरमा यहाँ क्या कर रहा है मोमो? क्यों सारा खाना इधर ही तो रखते हैं? अरे खाना तो फ्रिज में रखते हैं मोमो, ये दराज है, यहाँ तो सामान वगैरह रखते हैं अपना। तो ये क्या है? दराज बताया तो है। ओहो शायद मैंने सवेरे गलती से रख दिया होगा। अरे लेकिन ये तो गर्म है, लगता है तुमने इसे अभी अभी गर्म किया। मोमो सच सच बताओ। अरे मीन्स वो फ्रिज में रखा हुआ खाना मजेदार नहीं होता। हाथ धोती है मोमो, तौबा तौबा तौबा, तुमने रोजा तोड़ दिया। चुपे, मैंने रोजा तोड़ा नहीं है, मैंने तो रोजा रखा ही नहीं है। पर क्यों? मुझसे बगैर सहरी का रोजा नहीं रखा जाता और
वैसे भी मेरे अंदर ना खून की बड़ी कमी है। कमी तो मैं ना सिर्फ दिमाग की है, दिमाग की। अरे हाथ होती है यार, अरे रोजा भी नहीं रखा और एसी वाले कमरे में मजे से बैठी तुम आराम कर रही हो, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जो रोजेदार है बेचारे, अरे उनकी जगह तुम ही कुछ काम कर लो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अपने इस गुनाह का कफारा देना पड़ेगा तुम्हें। मेरे पास तो कफारा नहीं है कसम से। अरे भाई मेरा मतलब है, या तो किसी मस्कीन की मदद करो या उसे इफ्तार करवा दो, तो तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी ना मस्कीन ढूंढ के लाती हूँ। जाओ करो। क्या आला खुशबू है भाई, अभी से रख देता हूँ फ्रिज में, है अफतारी के बाद खाऊंगा इसे। वॉलेट तो ले ले भाई अपना। जाला जी, आओ जी, आओ। ओए है कोई मस्कीन? ओए मोमो, तू इधर क्या कर रही है खड़ी इस वक्त? कोची बाजी, मैं एक घंटे से मस्कीन ढूंढ रही है, मुझाले जो मुझे मिल के दे कहीं। ओए मस्कीन की तलाश तो मुझे भी है, आज का रोजा नहीं रखा ना कफारा अदा करने के लिए। ओए मैंने भी रोजा नहीं रखा, सवेरे से कसम से गुर्दे में बड़ी दर्द हो रही थी, वरना मैं बहुत अल्लाह वाली हूँ। देख कोई मस्कीन मिले तो मुझे बता देना, मैंने उसकी इतनी खिदमत करनी है, इतनी खिदमत करनी है कि अल्लाह पाक ने अगले पिछले गुनाह माफ कर देने मेरे। मैं तो खैर बड़ी नेक औरत हूँ, गुनाहों की लिस्ट मेरी तेरे जितनी लंबी नहीं है, बस ये है कि कोई इफ्तारी के लिए बंदा मिल जाए तो मैं उसकी इतनी खिदमत करूँ, उसे इफ्तार कराऊँ। पर ढूंढे कहाँ मस्कीन? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? और तू कौन है? जी मैं मिस्कीन हूँ। अच्छा तो फिर तेरा नाम क्या है? जी नाम ही तो मिस्कीन है, मैं मिस्कीन शरीफ, अब्बा नहायत शरीफ, अम्मा मासूम शरीफ। शाबाश, इसका तो खानदान ही शरीफों और मिस्कीनों से भरा पड़ा है। हमें कोई नाम का मस्कीन नहीं चाहिए, हमें असली मस्कीन चाहिए, गरीब नेक जो बहुत ही तकलीफ में हो। और क्या है मस्कीन? तकलीफ हो रही है बहन, 3 दिन से रोटी नहीं खाई ना, पानी पी पी के गुजारा कर रहा हूँ मैं। इससे अच्छा मस्कीन नहीं मिलना हमें यास्मीन बाजी। जोजी, जोजी। अच्छा जोजी कहाँ मस्कीन है, वो तो बड़ी पक्की डैन है पक्की। और मैं जोजी हूँ। ओए मोमो चल इसे कार लेके चलते हैं, हमारा कफारा भी अदा हो जाएगा और सवाब का सवाब मिल जाएगा, इसकी खिदमत करते हैं। हाँ हाँ चलो। कहाँ? आप हमारे साथ चले मस्कीन भाई। क्योंकि हम आपकी वो करना चाहते हैं। वो क्या? खिदमत, खिदमत। असल में हम बड़े नेक लोग हैं, आज अफतारी तक आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे, हमारा कार ये रहा सामने। आइए आइए आइए। 2 घंटे हो गए माँ जी और जोजी आंटी को गए हुए, अभी तक लौटे ही नहीं है। इस वजह से तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है यार, आ जाएगी ना अभी, सब्जी वब्जी लेने गई होगी कहीं। और रोजे की हालत में मेरी मजलूम और बूढ़ी माँ से काम कराते हुए आपको शर्म नहीं आती, बड़े मुंह वाले शख्स? नबील, तुम्हारी माँ कोई मजलूम नहीं है, अरे उसने कोई रोजा वोजा नहीं रखा, मैंने उसे कमरे में छुप कर खाना खाते हुए देखा है खुद। अजी जी, हमने भी जोजी बेगम को रंगे हाथों पकड़ा, कमरे में छुप छुप कर पराठे तनावल फरमा रही थी। Oh my God! ओए माँ जी शुक्र है आप आ गई यार, वरना मैं तो महमूद साहब के खिलाफ FIR गड़वाने लगा था यार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये चोरलू कौन है? ये कफारा इशफाक जी, मैं मिस्कीन हूँ। ये ना आज के दिन हमारे मेहमान है, हम सब ने इसकी दिलो जान से खिदमत करनी है। चलो तुम सुन लो, मुझसे तो रोजे में किसी खिदमत नहीं होती भाई, इंसानियत की खिदमत से ज्यादा नेक काम कोई और है ही नहीं। जी जी आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, ऊपर जाके आराम कीजिए, अफतारी के वक्त आपसे मुलाकात हो जाएगी। अरे ऊपर जाके क्या करेंगे, ऊपर तो इन्हें कोई कंपनी ही नहीं देगा। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, कंपनी का तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, अगर आपकी कंपनी में कोई चौकीदार की नौकरी है तो मुझे दे दे, मेरे घर वाले 2 सूखी रोटी चैन से खा लेंगे। आपने फिक्र नहीं करनी जी, मेरी बहू तबस्सुम ताजा ताजा रोटियां बना के देगी आपको। फिलहाल तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे भी तकरीबन नींद आ गई यार, तो दिन भी गुजर रहा है यार। लाइए ये हमें दीजिए, ये तरकारी हम बनाते हैं किचन में बैठ के। हाँ मस्कीन भाई इधर आओ, ये मेरी जगह इस सोफे पे बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर वाले तो वैसे भी इतने कोई मेहमान नवाज नहीं है, तुमने ना ज्यादा से ज्यादा दुआएं मुझे देनी है, मुझे अपनी इस बहन को। नहीं नहीं ये मेरा भाई मस्कीन ऊपर मेरे साथ जाएगा, चले भाई साहब अपनी बहन का घर समझें। मेरी बहन तो पिछले साल ही सैलाब में बह गई थी, अब उसके 8 बच्चे मेरे साथ सूखी सूखी खा के गुजारा करते। भाई मस्कीन
आओ शाबाश, उठो उठो शाबाश। ओए चलो चलो। ओए मस्कीन भाई रुको, ये मुमताज की बच्ची ना मुझे सही तरह से नेकी भी नहीं करने देगी। मसाऊद उठे उठे, क्या आप जाके बाहर सोए तो मस्कीन भाई इधर सोएंगे। मैं एसी वाले कमरे में इतने नरम बिस्तर पर, मुझे तो जमीन पे सोने की आदत है। हाँ तो ठीक है ना, जाए आप बाहर जाके जमीन पे सो जाए। उठे, ज्यादा वो ना करें। वो क्या? वही जो आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बदतमीजी कहना चाह रही है। हाँ हाँ बदतमीजी, मिस्कीन भाई को आराम करने दे वरना मेरा कफारा अदा नहीं होगा। लेकिन मैं इस बिस्तर पे कैसे सो सकता हूँ? आप कहते हैं तो भाईजान मैं आपको लोरी सुना देती हूँ। मुमताज? नहीं मुमताज को नहीं, मिस्कीन भाई को लोरी सुनानी है मैंने। नहीं मेरा मतलब है कि इतना साफ सुथरा बिस्तर, मेरे कपड़े खराब है तो बिस्तर खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मस्कीन भाई। एक मिनट, मस्कीन भाई आप ये पहन लीजिए। अरे मोमो ये मेरा नया कुर्ता है भाई, अल्लाह आपको ऐसे 100 जोड़े पहनना नसीब करे। मस्कीन भाई आप तो ऊपर आके ऊपर के ही होके रह गए, नीचे भी चले ना, हमें भी खिदमत का मौका दें, चले आए। भाई रुक, मैं तो तरस गया था इतने प्यार और इतने आराम के लिए, ना कभी नया जोड़ा पहना, ना कभी पेट भरकर खाना खाया, ना कभी सुकून से सोया। 18 बच्चे जब एक ही कमरे में रहेंगे तो कोई कैसे सो सकता है सुकून से? हारा आपने तो 8 कहे थे मुझे। वो 8 बच्चे तो मेरी बहन के है ना, 10 मेरे भी है। क्या? अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को दे देता हूँ, याद ही नहीं कि कब पेट भर के खाना खाया मैंने। आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, आज की इफ्तारी ऐसे होगी कि आप झोलियां भर भर के दुआएं देंगे मुझे। ओ बस भी करें मस्कीन भाई, चले बस आप मेरे साथ। चले 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 बस। मेरी जान तो छोड़ो यार, मुझे कफारा लेने ये अपने सारे छोड़ो, खुद जाके निपटो अपने कफारे से। मुस्तकीन मुस्तकीन देखो कौन आया है। अरे भाई रात तो मैं भी शहजाद आई थी ख्वाब में, आज अकीनन सवा कमर तशरीफ लाई होंगी। ओए उठो है, किस किस्म का गैर अखलाकी ख्वाब देख रहे हो हैं? रोजे से हो पर फिर भी ख्वाब में मैं भी शयात और सबा कमर नजर आनी जरूरी है। अरे बेगम ख्वाब में वो हमारे निकाह में थी, बिल्कुल शरई ख्वाब था। भाई ऐसे ख्यालात से बचने के लिए दिन रात अस्तगफार क्या करें और जितना हो सके ना मरने का सोचें। मरने का क्यों भाई साहब? मरने का सोचेंगे तभी तो आखिरत का सोचेंगे भाई। और समझे हो कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? चलो उठो उठो, अब मस्कीन भाई की खिदमत करो, कोई लत्ता शत्ता मोंडे शोंडे दबाओ चलो। अरे भी बेगम हमारा तो खुद जोड़ जोड़ दुख रहा है झाड़ू पोछा करके पूरे घर का। रहने दे बहन, नेकी तो दिल से की जाती है, जबरदस्ती की नेकी का कहाँ सवाब मिलता है। सुना तुमने कुछ? मुझे ज्यादा सवाब चाहिए वरना वो मुमताज ले जाएगी सारा सवाब और उसका कफारा भी अदा हो जाएगा, नहीं तो कोई और मिस्कीन ढूंढना पड़ जाएगा मुझे। अरे नहीं बेगम नहीं, आप कर रहे हैं ना, आइए भाई साहब आइए आइए तशरीफ लाइए। अरे भाई साहब लाइए कंधा इधर कीजिए। इन लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ नबील आपका बेटा यहाँ, और प्लीज मुझे भी रेस्ट करने देना यार। ओए तुम लोगों ने मिलके मेरा कफारा अदा करना है, कहाँ है फरजाना? ओ माँ जी फरजाना रिजवाना इन सबको मैंने बाय कह दिया रमजान में यार। मैं इस फरजाना की बात कर रही थी। मेरा नाम खूबसूरत है। खूबसूरत है पर वो नहीं है तू। वो क्या? वही जो मेरा पुत्र है। बहुत ज्यादा खूबसूरत माँ जी। ओ ना ना, वो अच्छी खासी खूबसूरत और नेक सीरत बहू मिली आपको माँ जी, शुक्र अदा करना चाहिए आपको। नेक? हाँ 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 नेक, बिल्कुल नेक नहीं है तू। चल जल्दी से किचन में काम करना शुरू हो जा। माँ जी अभी तो 3 बजे हैं सिर्फ, अभी बहुत वक्त है अफ्तार में भाई, हो जाएगा आराम से सब कुछ। ओए शानदार अफ्तार बननी चाहिए मस्कीन भाई के लिए, चल बर्ची खाने में। आ जानू जाओ तुम भी सवाब कमा लो, लेकिन मुझे अफ्तार से सिर्फ आधा घंटा पहले उठाना है तुमने। ओए तू जल्दी से जा बाजार तो बर्फ की बड़ी वाली सिल लेकर आ। बर्फ की सिल क्यों माँ जी? महमूद साहब को बर्फ पे लिटा कर 3rd degree टॉर्चर करना है आपने। मसाऊद के लिए नहीं मस्कीन भाई के लिए मंगवाना है मैंने,
जा जल्दी से बाजार से बर्फ की सिल ला, उन्होंने ठंडे पानी से नहाना है। टैंकी में इतना गर्म पानी आ रहा है ना, शावर के नीचे बैठे बैठे जल जाएंगे वो। ओ माँ जी, जल भी गया तो उसे क्या फर्क पड़ना है माँ जी। अब ज्यादा बातें ना बना, चलो जा जा माँ जी, आराम से माँ जी, खाली पेट हूँ यार। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। ये जोजी बेगम और माँ जी का कफारा हमें तो बहुत ही महंगा पड़ गया है। ये नेक काम करने का आइडिया उन्हें दिया किसने था? महमूद साहब और मुस्तकीम साहब की वजह से हुआ सारा कुछ जानू। इन दोनों ने अपनी बेगमात को कफारा अदा करने का कहा था, लेकिन ये दोनों तो हमसे कफारा अदा करवा रही हैं। भाई नेकियां कमाने के चक्कर में इन्होंने हमें दाव पे लगा दिया, यानी गजब खुदा का पूरा दिन निकल गया और हम एक शेर भी नहीं कह सके। थैंक गॉड आपने कोई शेर नहीं कहा। वैसे ये मिस्कीन है कहाँ? जानू एक घंटे से ना आ रहा है, अब जोजी बाजी को पानी का ख्याल नहीं आ रहा, हमारे तो एक एक कतरे का हिसाब लेती है। इसलिए भाई मैं तो हफ्ते में एक बार नहाता। ओ बासी कर रहे महमूद साहब, आप पूरे एक महीने के बाद नहाते हैं। बेल कम से कम रोजे की हालत में तो ना झगड़े आप लोग। ओ जानू तो टाइम भी पास करना है ना, हमने अंदर जाएंगे तो माँ जी और जोजी बेगम ने ना हमें मस्कीन का कोई काम बता देना। एक काम करते हैं, यही बैठे बैठे थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अरे भाई वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात कह दी अचानक, बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने। अरे आप सब यहाँ बैठे, मैं आपको अंदर ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा असर का टाइम हो गया, आप सब लोगों के साथ मस्जिद चला जाऊँ नमाज पढ़ने। चले खूबसूरत बहन, आपको आपकी सास अंदर याद फरमा रही है, चले चले। चलो वही दोस्तों, नमाज पढ़ने चले। भाई आप सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? एक रोजेदार का चेहरा तो गुलाब की तरह खिला हुआ होना चाहिए। भाई खुशी खुशी चले, उठे उठे, आए 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 आए, गुदगुदी तो करे। अरे उठे यार, एक दूसरे को जूते करते चलते हैं। आए आए आओ भाई, मुस्तकीम साहब आपका मुंह तौबा अस्तगफुरुल्लाह है ना, ऐसा लग रहा रात पानी में पड़ा रहा। बिल्कुल खाली हो गया यार। ओ यार महमूद साहब, खुदा का वास्ता यार इतना मुंह मत खोले, आपका मैदा नजर आ रहा है मुंह से खाली। अरे भीगी भीगी झुकते मत लगाओ यार नबील, आए मेरा तो नींद से बुरा हाल हो रहा है यार। भाई हमारा ख्याल है, अपने अपने कमरों में चलते हैं और थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों कहाँ जा रहे हैं, इफ्तार में थोड़ा ही तो वक्त बचा है, आइए मिलके जिक्र करते। नबील मुझे तो लग रहा है मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैं मुसा खुदा का वास्ता शीशा बचाएं यार, मुंह से शीशा तोड़ेंगे यार। अगर ऐसा ही है तो हो सकता है ये आपका आखिरी रमजान। चले सब चल के बाहर चल के जिक्र करते हैं। आइए आइए भाई, नेक काम है, उठिए उठिए, आइए आइए, चले ना चले 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 चल भाई, तो चल आइए आइए आइए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। या अल्लाह इस नेक औरत के सारे गुनाह बख्श दे। आमीन। या अल्लाह इस नेक औरत के खाते में इतनी नेकियां डाल के वो गिन ना सके।
या अल्लाह इस औरत को इतना दे कि वो संभाल ना सके। या अल्लाह मेरी मुमताज बहन को मेरी भी उम्र लगा दे। या अल्लाह। ओए, ये सारी दुआएं तो मुमताज को दे रहा था। जी बहन, उनसे ज्यादा नेक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सही मानों में तो कुफारा उनका अदा हुआ है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरी तीनों बेटियों की शादी के लिए अपनी सोने की चूड़ियां दे दी उन्होंने। हाँ? अब बताएं, इस तरह की नेकी आजकल के जमाने में कौन करता है? बड़ी नेक खातून है भाई। तो ही लेना है तो मिट्टी ना छट्टी पैरा दी, ऐसे सोफे ते बैठा रे, मैं हुणे गई ते हुणे आई। भाई मेरे वीर, ये मेरी सास ने मुझे ना ब्याह पे दिया था, 6 तोले का है पूरे। इसको तुड़वा के ना अपनी तीनों तियों के लिए सोने सोने सेट बनवा लेना। अब दस किसका पलड़ा पानी है। बेशक बहन, आप तो मुमताज बहन से कई गुना ज्यादा अच्छी हैं। यही बात तूने अफ्तार की मेज पे ना उस मोमो के सामने कहनी है। चल छेती चले, अफ्तार का टाइम हो गया। इससे मैं जेब में रख लेता हूँ, डब्बे के चक्कर में लोग लूट लेते हैं। चल। आखिर बेटी के जेस का मामला है। हाँ चल 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 आज। भाई ना आप लेना, ये आप लोग लेना सब। नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपके लिए सारा इत्तमाम हुआ है। आप जब तक नहीं खाएंगे मैं किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। कुछ चीजें तो खास तौर से आपके लिए वो बनवाई है मैंने। वो क्या? वही जो खट्टी मीठी होती है ना, गोलगप्पे। वाह भाई वाह, आप दोनों जैसी नेक औरतें मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी इतनी मोहब्बत मुझे मिल रही है, दिल करा यही रह जाऊं। जी नहीं, आप इफ्तार करके अपने घर जाएं। यकीनन आपके घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे। ओ जानू, तुमने फ्रूट चाट ही बनाई, तुम्हें पता कितने शौक से खाता हूँ मैं। हाँ, फ्रूट चाट। वो फ्रूट चाट कहाँ है, तबस्सुम करीम वाली? पता नहीं माँ जी, मैंने बनाई तो थी भाई, बहुत कमाल की बनी थी। अरे जनाब, आपको कैसे पता चला? मैंने ही तो खाई है। ओ शाबाश, बस 20 आदमी रोजा नहीं था तेरा? नहीं। क्या? हाँ भाई, मेरा रोजा नहीं था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, रोजा कैसे रखता? आज खाऊंगा, कल रोजा रखूंगा। अरे मकार आदमी, जब तेरा रोजा ही नहीं था तो हमें नेकियों की तरगीब क्यों देता रहा? मेरा रोजा नहीं था, आप लोगों का तो था ना। और वापस कर मेरा सारा जेवर अभी के अभी। हाँ? जेवर? हाँ, इसकी बेटी की शादी के लिए मैंने अपनी सास का दिया हुआ सेट दिया था इसे, खिदमतें कराता रहा हमसे। माँ जी, कहीं आपने भी तो कुछ नहीं दे दिया? कुछ दिया तो था पर याद नहीं आ रहा। सोने की चूड़ियां दी थी। आप लोग तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने कुछ धोखा दिया हो। आप सबको अपने जेवर वापस चाहिए ना। हाँ। हटे हटे, एक सेकंड, ये देख। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते।